सबसे पहले थैंक्स गॉड और जितना भी शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का बहुत कम है और अल्लाह ताला दोबारा सेहत दी और स्पेशली उन फैंस का जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की और यहाँ पे स्पेशली थैंक्स शाहिद खान फरीदी फाउंडेशन जिन्होंने मेरी इस सारी जो भी मुझे इंजरी थी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच और नो डाउट आई थिंक मेरे यहाँ बड़े अरसे के बाद आपके साथ भी मुलाकात हुई है। बिल्कुल देखिए वापसी में वापस आने के लिए मेरे ख्याल में बहुत मेहनत चाहिए होती है और कम बैक इतना आसान नहीं होता, लेकिन आई नो सब चीज़ें जानता हूँ, ट्रेनिंग कितनी रिक्वायर्ड है और बैटिंग में क्या क्या स्किल्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नो कि मैं ट्रेनिंग जिम शिम हर शेय अपनी बैटिंग क्या अपने जितने भी शॉट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ और रिसेंटली टूर्नामेंट वगैरह भी खेला हूँ और ग्रेड टू भी खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अच्छा कम बैक कह सकते हैं कि हुआ है और मैचेस में परफॉर्मेंस भी हुई है तो अच्छी कहते ना अच्छी फीलिंग आ रही है और स्पेशली के जो इंजरी थी उसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा जोर की ज़रूरत होती है और जिस तरह की मेरी इंजरी थी मेरे से कोई चीज़ भी पकड़ी नहीं जाती थी, लेकिन नाउ थैंक्स गॉड के फैंस जो हैं वो आपको दोबारा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपके फैंस बहुत ज़्यादा थे, आप कोई ऐसी इंजरी हुई कि आप स्क्रीन से दूर चले। बिल्कुल उन फैंस की दुआओं से ही वापस आया हूँ और डेफिनेटली दुआओं में बड़ा असर होता है और 6 साल बड़ा अरसा होता है और आई थिंक मेरे ख्याल में एक फुल पीक का टाइम कह सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे थैंक्स गॉड कि मुझे उस चीज़ का है भी कह भी सकते हैं, थोड़ा सा अफसोस भी होता है, लेकिन नौ अल्लाह ताला का शुक्र है कि वापस ग्राउंड में आया हूँ, अल्लाह ताला ने सेहत दी, सेहत ही सब कुछ है इंसान के लिए और मैं यही दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला सबको सेहत दे और देखे क्रिकेट खेलना ना खेलना ये सब आपकी मेहनत पे और ऊपर वाले पे डिपेंड करता है और डेफिनेटली अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं नियत के साथ मेहनत करते हैं तो आप अच्छा कमबैक करते हैं और जिस तरह की अभी फीलिंग्स आ रही है जो जिस तरह की शॉटें लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत तगड़ी हैं, बैटिंग करते हुए देखा है आप अभी भी वही शॉटें नज़र आती हैं आप में, तो इसके बारे में आप क्या, आप T10 में भी टीम के साथ थे तो लेकिन T10 में इतना आपको देखे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रिफ्लेक्सेस आई थिंक मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शुक्र अल्लाह का और मैंने बताया कि देखे T10 में आई थिंक मेरे 6 साल के बाद जब इंसान वापस आता है तो डेफिनेटली टाइम लगता है, कोई ऐसा टूर्नामेंट अभी कोई बड़ा इवेंट कह लें या अपनी जैसे हमारी T20 नेशनल T20 होती है फिर उसके बाद PSL है, तो ये चीज़ें जब अपनी कंट्री की तरफ से खेलूँगा जब लोगों को पता चलेगा टीवी पे वॉच करेंगे कि इमरान अजी नो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ फिट और इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो डेफिनेटली फिर सब जगह कॉन्टैक्ट बनते हैं और सब हर आदमी अप्रोच करता है खेलने के लिए और T10 एंड ऑफ द डे चले ये भी एक दुनिया को पता चला कि इमरान अजी इज़ फिट और खेल सकता है और नो डाउट उसमें एक ही मैच खेला हूँ और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली के बारी नहीं आई, लेकिन ठीक है जहाँ इतना सा वेट किया थोड़ा और सही और उसमें क्या है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा और मेहनत करूँगा और अच्छा कमबैक होगा फिर उसमें इंशाल्लाह। क्यों नहीं यार, मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप फिटनेस पे ऊपर कितना काम करते हैं और ना हो कि आपकी फिटनेस कैसी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फीलिंग है जिस तरह आपने खेलते हुए भी देखा है और मेरे ख्याल में यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि अभी ठीक ठाक फिट है और खेलूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं मेरा साल बिलीव इतना पक्का था, मैं 6 साल जब इंजरी में था उस वक्त मैं हार नहीं माना और अब तो अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है यार और मैं खेल रहा हूँ और जो मेरे में अभी स्ट्रेंथ है जो जितनी एनर्जी है अभी मेरे में उससे मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टर मिल रहा है और कॉन्फिडेंस मिलता है डे बाई डे जैसे जैसे मैचेस खेलता हूँ, अच्छा परफॉर्म होता है उसमें मेरी फिटनेस टेस्ट होती है, रिसेंटली मैंने 100 किए हैं, 80 भी किए हैं, 90 भी किए हैं और ये रन्स ऐसे हैं कि इसमें टेस्ट होता है आदमी और उसकी फिटनेस का पता चलता है और मैंने बताया कि अभी तो इतना हूँ और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सेहत दी और साथ में फिटनेस भी ऐसी दी कि अभी
स्ट्रॉन्गली कम बैक करूँगा इंशाल्लाह। आपकी इंजरी में आपका साथ किसने दिया? देखिए स्पेशली मेरे माँ बाप, वाले साहब तो नहीं, लेकिन खैर मेरी वालदा की बड़ी दुआएं थी, स्पेशली मेरी वाइफ। डेफिनेटली वाइफ एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके हर मुश्किल वक्त में आपका साथ होती हैं। मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, बड़ा हेल्प बड़ी हेल्प की उन्होंने, और स्पेशली वंस अगेन मेरी वाइफ जिन्होंने मेरा बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा ऐसा सा टाइम भी देखा है कि उठने में भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन शी सो केयरिंग और बहुत ही बहुत ज़्यादा हेल्प की है। डेफिनेटली मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है, और एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि वाइफ का हर मुश्किल वक्त में साथ देना उसका हक भी बनता है, और यही एक प्यार और एक अच्छी फैमिली की यही निशानी होती है। स्पेशली मेरे बच्चे अभी खैर छोटे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे वीडियो देखते थे और बड़ा मिस करते थे कि बाबा कब आप फिट होंगे, कब वापस आएंगे, लेकिन अब जब वो देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। तो उनका भी थैंक्स वेरी मच, और स्पेशली वंस अगेन उन फैंस का जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। थैंक यू वेरी मच, और प्रे फॉर मी, और होपफुली अपने फैंस को अच्छा से अच्छा कम बैक इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा और अच्छी क्रिकेट खेलूंगा। मेहनत करो, मेहनत में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत का सिला मिलता है, ये मेरा बिलीव है। और एज ए बीइंग मुस्लिम सबको इस चीज़ का बिलीव होना चाहिए, और कभी भी मुश्किल टाइम पर गिरना नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला हमेशा आपकी मदद करेंगे सब। देखते हैं कि जब एक यंग प्लेयर आता है तो दोबारा मेहनत करनी पड़ती है आपको, आप बिल्कुल नहीं मैं समझे, मैं एक जैसे इमरान जी पहले से मेहनत करके आया हूँ, और वही चीज़ें एक ज़ीरो से शुरू किया मैंने, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ज़ीरो से स्टार्ट किया, और अब तो खैर ऑलमोस्ट होता है 10 months ago यार 9-10 months ago के सही फिट प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा हूँ। और आई नो अब मुझे पता है कि जब ज़ीरो से स्टार्ट आदमी करता है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे मेरे फैंस क्वेश्चन पूछते हैं और कब कम बैक कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन होता है मेरा आंसर सॉरी कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और अभी तो खैर 1-2 महीने अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं है, लेकिन जैसे क्रिकेट शुरू होगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को नजर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान नज़ीर, और मेरी तरफ से AJ इंटरनेशनल चैनल को, यूट्यूब का चैनल है नंबर वन, बहुत बहुत भाई साहब आपको मुबारक, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई साहब, और हमेशा पाकिस्तान की तरफ से PCB में बड़ी अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें कह के देते हैं। अब इनका चैनल है AJ इंटरनेशनल यूट्यूब पर, और इसको अच्छे से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। विश यू ऑल दी बेस्ट AJ, और स्पेशली भाई साहब आपको।